Is it true that the gross irregularities and misappropriations have taken place in implementation and rehabilitation and resettlement for the displaced families in Polavaram project between 2014 and 2019 under the erstwhile government? If so, whether it is an apt case for CBI inquiry and whether government is contemplating to entrust the investigation to CBI. Thank you. Maniya Sabhapati Mohode, जहाँ तक रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन का विषय है, राज्य सरकार प्रत्यक्ष रूप से उस विषय को देख रही है और उसी के लिए जिम्मेदार है। जितनी भी ग्रीवेंसेज उसके लिए आ रही हैं, उसके लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म राज्य की सरकार ने बनाया हुआ है, जिसमें उस प्रभावित जिले का जिलाधिकारी और उसके अलावा अन्य अधिकारी भी हैं। जो ट्राइबल एरिया उसके अंदर आता है, उस ट्राइबल एरिया में जो ये R&R इश्यूज आ रहे हैं, उनको सेटल करने के लिए इस तरह की ग्रीवेंसेज आती हैं, उसके लिए भारत सरकार के जनजाति मंत्रालय के सचिव के अध्यक्षता में भी एक कमेटी का निर्माण किया गया है। राज्य सरकार इस तरह की यदि कोई भी अभी डिमांड राज्य सरकार की तरफ से या किसी भी तरफ से इस तरह की कोई भी सूचना जो है केंद्र सरकार के पास में उपलब्ध नहीं है।